हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट प्रशांत कुणाल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है भाई, और आप लोगों को मैं मौसम दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखो, ये देखो भाई, पूरी धुंध है, फॉग है, मतलब कि, और बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा ठंड है, हद से ज़्यादा। और सुबह सुबह ही मैंने व्लॉग डाल दिया है, अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कल वो, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सुबह सुबह उठते मम्मी ने कहा कि कुछ सामान लेके आना है, और उसके बाद मम्मी है मेरे को मस्त मस्त परोंठे बना के खिलाएगी। ठंड में मरना कोई दिक्कत नहीं, पर अगर परोंठे मिले तो। जिस जिसने कल वाला व्लॉग देखा होगा, तो मम्मी का काम चल रहा था और वो हुआ नहीं। कर लो, मैं ले आता हूँ। एक बार लैपटॉप ऑन करके दे देता हूँ पापा को, फिर पापा उसमें भर देंगे। और पता क्या, एक्शन कैमरा का क्या एक नुकसान क्या है कि ये ना लो लाइट सा रिजल्ट नहीं देता, बट लाइट अच्छी हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता, और वाइड एंगल है। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, तू तोड़ दे मेरा कैमरा ही, तोड़ दे तू। मम्मी और थोर और पापा को इनके काम पे छोड़ जाता हूँ। कर लो, मैं जा रहा हूँ। काम करा रहा हूँ। मम्मी और पापा इतने कंफ्यूज हो गए थे, और खाना भी नहीं बनाया अभी तक, बट अब मैं प्लान के साथ चला रहा हूँ ना काम। तो देखो, अब वन टाइम सॉल्यूशन कर दिया, पेपर पे इनकी प्रेफरेंस लिख दी, और अब पता क्या कर रहे, समझदार यहाँ नीचे बैठ के मम्मी तो कोशिश करिए कि टाइम बचाऊ, और मैं यहाँ बैठ के खाना बना लेती हूँ, फोन पे बात करिए, प्रेफरेंस पापा को ऊपर बता दूंगी, और बीच में इनकी बहस हो रही है। सो मैंने फाइनल कर दिया सिस्टम। कैसा लगा मेरे काम करने का तरीका पापा? अरे कनो, पहले ये फोन से बनाइए तो बता। तो ये प्रेफरेंस है ना, नंबर वन की प्रेफरेंस ये है, फिर ये, फिर ये, फिर नंबर वाइज प्रेफरेंस लिखी हुई है। सबसे पहले अपनी ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे करके बढ़ने हैं। ठीक है, रोटी बना के रोटी ऊपर ही आओगी। कह देता हूँ सर, सबसे बेस्ट खाना है आलू प्याज के परोंठे, आम का अचार और लस्सी। मम्मी थैंक यू, बहुत मस्त है। और थोरू यहाँ सो रहा है, और मैं खाना खा रहा हूँ, और यहाँ बफरिंग हो रही है, क्योंकि वही वाईफाई वाली बात तो मैं कल बताई थी ना। थोर ना, थोर सो रहा है, और उसको दिखाता हूँ, खराटे मार रहा है वो। मम्मी रोज करता है, और छोटी सी जीभ निकाल रहे ऐसे। सोने देते हैं। दोस्तों, जस्ट नाउ मानू का फोन आया था कि भाई मुझे लेने आ जाओ, चलो चलते हैं, मानू को लेके आते हैं, चलो। दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मास्क। क्या था वो जो जब हमें ट्रेन पे जाना, सबसे पहले एक ब्लॉग में हम पूछ रहे थे कि ये किसका ले जो भाई, कमला मौसी, ये हमारी मौसी का ही निकला कोट। मौसी कोट कितने महीने पहले डाल, मेरी भी चाची 5-6 महीने हो गए। हालत ना दिखा कुछ करे, पहले वो निकाल, ऐसे नहीं, चल निकाल ले, खेच ले, टेंट टूंट कुर्सी कर्सी पड़ी है भाई इसमें। ऐसा ही था ये, ऐसा ही था। शुक्र है ये पैक खा नहीं, तो तभी पे फाइनली आंटी पता चल गया किसका। मम्मी तो कह रही थी पता नहीं दादा का है, ताऊ का। जी वो जो कोट पता किसका था? मौसी का था, कमला मौसी का। पता नहीं का उन्होंने जो तब रखा था गाड़ी में, 6 महीने से अपनी गाड़ी में घूम रहा है वो, अब दे दिया मौसी का निकाल के। अभी जैसे दीपी की शादी है ना, तो उसमें ना डांस डूस करते हैं। हां जी, समझी, जो भी होती है तो उसमें डांस करते हैं। तो एक दीदी है बाला, वो ना पूरा ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े पहन के ट्रेडिशनल डांस करने आई, तन्नू सबसे आगे खड़ी फोन टू लेके, और इसका वीडियो बन रही है, फोटो वाला मोड हो रहा है। और मैं पीछे नहीं देख रही, मैं कर क्या है, फिर मैं जाके बोल दी,
यहाँ से और लगती है। तो मानो वापिस जा रही है, थोरू रूस क्या, थोरू मानू गई। वही देखो कितना मस्त लग रहे हैं थोरी। हाँ, देख ले उधर कोई बंदे होंगे है ना अम्मी, उधर बाहर जाके क्या हुआ। हाँ कौन है? अच्छा ये बंदे खड़े देखो, देख क्या हुआ। चल कह रहा है मुझे लेके क्या हुआ थोरू, चल ना आजा। तो आप लोग सोच रहे होगे कि अभी क्या हुआ, तो ये इन लोगों के जो वो एक आधी सुअर जैसे ये ना वहाँ पे रहते हैं, उधर पीछे इनकी ना सुअर मतलब पिग आ जाती है। सो ये सेक्टर की ये एंट्री है, तो इधर थोड़ा बहुत एरिया है जो थोड़ा सा गंदा पड़ा है यहाँ पे, बस थोड़ा सा ही है ये। सो ये इस वो जो पिग देंगे यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे इनका जो भी प्रोसेस होता है मतलब कि ये न्यूट्रलाइज कर रहे थे उसको, तो वो ओपनली कर देते हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द में रो रही थी, बट अब वो चली गई, अब बिल्कुल भी नहीं रो रही। बट वो देखो ये इतना सा पैच है जो गंदा सा है, बट ये भी साफ करा रही है। बात ये क्या है, लोग क्या कैसे हैं, अपने घर के पीछे ही कूड़ा फेंक देते हैं यार, बताओ इसका क्या कर सकते हैं। हमारी जैसे हमारे घर वाली साइड और बहुत ऐसे लोग है जिन्होंने बहुत तरीके से ये साफ करवा दी है जगह, बट कुछ घर ऐसे हैं देखना कितना कूड़ा पड़ा है यहाँ पे। ये देखो रहना तो सेक्टरों में है पर हरकतें ऐसी है देख ले यार। सो खुद ही घर के पीछे खुद कूड़ा फेंक देते एक दिन तो, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये जो जगह है ना यहाँ पे एक दिन मैं ऐसे खड़ा था, सो खुद के घर से पीछे ही कूड़ा फेंक दिया, मतलब जो घर का वेस्ट होता है। बल्कि यहाँ पे अपने नगर निगम की जो जगह होती है वो होती है, एक ट्रक आता है प्रॉपर अपना कूड़ा डालने के लिए डेली, उसमें नहीं डालेंगे घर के पीछे डाल देंगे। तो पता नहीं कैसी मेंटलिटी है लोगों की यार, सफाई दिखावा होता है कि घर अपने घर के अंदर सफाई और बाहर सफाई ना हो। ठीक है ये ना कैंडी को देख रहे हैं, वो कैंडी अभी पीछे गई है भाई। थोरू को तो बहुत पसंद है यार कैंडी, मतलब रोने लग जाता है उसको देखते ही। आ ऊपर आ जा, देख कहां गई तो दोस्तों मैं नहा लिया हूँ, और फिर वापस आप कहोगे कि भाई सेम अपर, हाँ भाई सेम अपर पहनी हुई है। तो मैंने सोचा यार रात हुई है क्यों भाई और खराब करूँ, तो चल जाएगी रात और बाकी और कपड़े मैंने चेंज कर लिए, देख सकते हो वाइट टी शर्ट पहनी थी ना, तो अब ये देख लो ये पहनी हुई। पर आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, रात होगी मतलब अंधेरा हो गया, 7 बजने वाले हैं और मम्मी अभी पोछा मार रहे हैं, तो काम वाले आज आए ही नहीं, तो मम्मी अब और गेस्ट भी आ गए थे तो फिर मम्मी अब फ्री हुई है। पर मम्मी के भाई सफाई जरूरी है मम्मी के लिए सबसे पहले है, सो मम्मी के थोड़ा सा पोछा दे रहा था तो वो पूरा करा है मम्मी ने। तो दोस्तों खाना मैंने खा लिया है, थी हर्षित हैप्पी बर्थडे। हर्षित को पता है अगर वो व्लॉग देख रहे हैं तो भाई मैं रात हो गई है, ध्यान मेरे को था पर मैं पूरे दिन से बिजी था तो मैं फोन करना था, और अब रात हो गई है तू सो गया होगा इसलिए मैंने तेरे को फोन नहीं करा, बट मैंने व्लॉग में तेरे को बर्थडे कह दिया, हैप्पी बर्थडे। इसको भी खाना दे दिया है और अब मैं सीधा बेड पे जंप करूंगा, और आने वाले अभी 2 से 3 दिन जो है वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे दिन निकलने वाले हैं, तो मैं पूरी अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहता हूँ। हाँ व्लॉग आपके पास आएंगे। सो दोस्तों जो नेक्स्ट व्लॉग है ना वो शायद एक दिन छोड़ के अगले दिन आए, तो उसके लिए मैं अपडेट कर दूंगा, इंस्टाग्राम में भी मैं स्टोरी डालूंगा। सो इंस्टाग्राम पे तो मैं बहुत सारी स्टोरी डालने वाला हूँ, भाई की शादी की बारात में जाएंगे बहुत सारी चीजें है। सो मुझे जिसने अभी तक फॉलो नहीं करा तो जरूर करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टाग्राम का मेरा, तो जाके जरूर चेकआउट करो और फॉलो करो वहां पे। सो अब मैं सोने वाला हूँ, तो आप लोग पता नहीं किस टाइम देख रहे हो, अगर रात को देख रहे हो तो आप लोग भी सो जाओ भाई, दिन में देख रहे हो तो भाई गुड मॉर्निंग। चलो इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, ओके बाय बाय।